अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की और बॉर्डर रोड्स की बात करें तो हमारे पास 6,769 किलोमीटर्स की रोड्स और ब्रिजेस सिर्फ ये जिसको हम कहते हैं बॉर्डर एरिया में, चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर एरिया में 6,763 किलोमीटर्स की रोड बनी है, 15,000 मीटर्स की ब्रिजेस बने हैं जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि 100 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए गए, कभी सोचा नहीं था, और भारत ने इसमें भी एक अपना स्थान स्थापित किया। चंद्रयान और मंगलयान के मिशन पर फोकस करके हम काम कर रहे हैं। विमेन की बात अगर हम करें तो उसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर के सुकन्या योजना से लेकर के मातृशक्ति की बात करते हुए, और यहां मैं आपके सामने एक बात जरूर बताना चाहूंगा, कभी आप लोगों को इसकी कल्पना नहीं हुई होगी लेकिन मैं शेयर करता हूं। राइट फ्रॉम कंसीविंग ऑफ ए वुमन टिल डिलीवरी विथ ऑल कॉम्प्लिकेशंस, ये सारे की सारी चिंता भारत सरकार कर रही है। ये आप इसको समझिए कि किस तरीके से मैटरनिटी इशू को, महिला के इशू को प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया है। ये छोटी घटना नहीं है। द डे अ वुमन कंसीव्स, राइट फ्रॉम दैट डे टीकाकरण शुरू हो जाता है, हर दो सप्ताह बाद उसकी चेकिंग शुरू हो जाती है, वहां से डिलीवरी तक, डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, डिलीवरी करा करके वापस उसको पहुंचाना, उसको उसके लिए व्यवस्था करना, ये सारी चीजें भारत सरकार ने विमेन की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए करने का काम किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक विषय मैं जरूर कहूंगा कि हमने संस्कृति की भी रक्षा की है, और चाहे वो भव्य राम मंदिर बनने का सवाल हो, चाहे वो भव्य काशी हो, चाहे भव्य हमारा भव्य और दिव्य काशी हो, महाभारत सर्किट हो, बौद्ध सर्किट हो, रामायण सर्किट हो, केदारनाथ का पुनरुद्धार हो, सोमनाथ का विकास हो, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यह भी मॉडर्न इंडिया का एक तरीके से भारत के इतिहास को प्रतिलक्षित करने का एक बहुत बड़ा एक केंद्र बना है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा। और इसके साथ साथ मैं यह भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि नेशनल हमारा ये डिफेंस का अपना वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल कब का कॉन्सेप्ट था? 2014 में मोदी जी ने क्लियरेंस दी, 2019 में बना करके खड़ा कर दिया। ये सारी चीज़ों के प्रति जो काम हुआ है, पंचतीर्थ की बात हम करते हैं, मऊ से लेकर के लंदन में जहाँ डॉक्टर अंबेडकर पढ़े, वहाँ से लेकर के कहाँ उनका, उन्होंने अपना ये महापरिनिर्वाण हुआ उनका, कहाँ उनको ने दीक्षा ली, ये सारी जगहों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम यह भी भारत सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किया है, यह हम सब लोग जानते हैं। अगर हम दिवस की दृष्टि से देखें तो फिर संविधान दिवस, तो संविधान तो 26 नवंबर को निश्चित रूप से चर्चा में आ गया था, लेकिन संविधान दिवस मनाने का काम किया तो इस सरकार ने किया। सामाजिक समरसता दिवस का तय किया तो वह भी इस सरकार ने तय किया। विभाजन विभीषिका दिवस तय किया तो वह भी सरकार ने 14 अगस्त को तय किया। राष्ट्रीय एकता दिवस, उसको भी हमारी सरकार ने तय किया। जनजातीय गौरव दिवस, उसको भी हमारी सरकार ने तय किया। तो यानी ये दिवस भी अपने आप में भारत की संस्कृति और भारत के लिए काम करने वाले लोगों को, योग दिवस, इंटरनेशनल योग दिवस, वी वेंट ग्लोबल और दुनिया में उसका हमने एक स्थान बनाया, वह भी हम सबको ध्यान में रखता है। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट एक जिसको हम कहते थे कि एक पिछड़ा इलाका, कटा हुआ इलाका, अलग से देखने का दृष्टिकोण, यह हमारी केंद्र की सरकार ने रखा था। उसकी मेन स्ट्रीमिंग अगर की गई है तो वह मेन स्ट्रीमिंग भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। बंद और ब्लॉकेट से निकल करके आज वह मेन स्ट्रीम में आज आया है। लगभग 50 टाइम्स हमारे प्रधानमंत्री जी का वहां दौरा हो चुका है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि पूर्व के प्रधानमंत्री जो असम से ही आते थे वो कितनी बार दौरा किए थे, लेकिन ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन जरूर है कि आप जरा पता कीजिएगा कि व्हाट डिफरेंस नॉर्थ ईस्ट इज मेकिंग टुडे, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसी तरीके से अगर हम कहें नागालैंड का पीस समझौता 2015, NLFT का समझौता 2019, ब्रू रियांग का समझौता 2020,
बोडो शांति समझौता 2020, कार्बी आंगलोंग समझौता 2021, ये सब पेंडिंग इश्यूज थे नॉर्थ ईस्ट के। बट आई एम गिविंग यू जस्ट अ ब्रीफ पिक्चर ईयर वाइज कि नॉर्थ ईस्ट के कितने समझौते भारत सरकार ने किए और वहां पर पीस लाने के लिए क्या क्या काम हुआ है। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि 1500 करोड़ का एक स्पेशल बजट का प्रावधान नॉर्थ ईस्ट के लिए किया गया है। फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इंडिया फर्स्ट, हमारी अपनी, हमारा इंटरेस्ट, देश का इंटरेस्ट, इसको ध्यान में रख करके उस पॉलिसी को भी बनाया है। पूर्णिया सिटी जानिए, पूर्णिया सिटी। हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।